शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये है हमारे घर की लक्ष्मण रेखा। और इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की इजाजत हम नहीं देते हैं इस औरत को। मम्मी फिर से शुरू हो गया आपका ये सब। हद हो गई आपके पागलपन की भी। आपके तमाशे रुक ही नहीं रहे। है आप मम्मी जी से किस तरह से बात कर रहे हैं? अरे तुम उन्हें समझाओ ना, हर बात में तमाशा करने लग जाती हैं। अरे तमाशा तो तुमने बना रखा है हमारे घर को। पहले श्रद्धा अपनी जिद में इस दिव्यानी को इस घर में लेकर आती है और अब तुम अपनी जिद पर। और उस घर में हो रहा है ये जो घर तनुजा जी का है। अनुज जी, आप इस तरह हमारे जवान बेटे को ऐसे नहीं डांट सकते। आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। ये घर हमारा है, ये बात भूले ना। और हमारे घर के मामलों में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या लग रहा है जो कुछ इस घर में हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? सालों पहले जो कुछ भी हुआ ना वो मैं अभी तक भूला नहीं हूं। सालों पहले जो कुछ भी हुआ वो सब आप ही का किया दर है। आपको भूलना भी नहीं चाहिए। और ये जो गलतियों की शुरुआत है ना वो भी आप ही से हुई है। अबे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने पापा के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। अबे, एक बात तुम हमारी कान खोल के सुन लो। ये घर जो है ना वो तनुजा जी का है और तनुजा जी ने ये फैसला लिया है कि ये दिव्यानी इस घर में नहीं रहेगी। इसका मतलब ये पूरे घर का फैसला है। काश हम यहाँ आते ही नहीं। हमारी वजह से सब लड़ रहे हैं। ओ हीरोइन, तुमको यहाँ कोई भाव दे नहीं रहा है तो खुद बीच में कूद के खुद ही को भाव दे रही हो? यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारी ये जो माजी है ना उसकी बात हो रही है। सारे फसाद की जड़ ये औरत है। श्रद्धा, इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें बहुत छूट मिली है, तुमने बहुत मनमानी की है, लेकिन अब नहीं। और अब है बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी ऐसे परीक्षा से गुजरो जिसमें तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। लेकिन अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये जो लक्ष्मण रेखा का फैसला है ये अब नहीं बदलेगा। और अब है बेटा, अब तुम्हें भी एक फैसला लेना होगा कि ये देवयानी तुम्हारी माँ है या हम तुम्हारी मम्मी। तुम जिसे भी चुनोगे सिर्फ वही इस घर में रह सकती है। अब ये आया ना कहानी में धमाका, हमें हमारा लक्ष्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। घर में रिश्तों में लकीरें खींचने लगी हैं। उनका तो अंदाजा ही नहीं रहा कि ये घर ना ही तो पूरी मनोरंजन की दुकान है। क्या लगता है कि अभय बबुआ कौनों पे सट्टा खेल रहे हैं? लग जाए सोसो की शर्त। भाभी आपने ये क्या शर्त रख दी? अरे हमें जो कहना था हमने कह दिया। अबे, अब तुम्हारे कहने की बारी है, तुम किसे चुनोगे?
अपनी जान देने वाली माँ को या अपनी जिंदगी देने वाली माँ को? ये घर आपका है, आप कहीं नहीं जाएंगी। मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि उसने तुम्हें चुना। मम्मी जी, मैं आपकी नाराजगी समझती हूं, मगर प्लीज कुछ दिनों के लिए आप उन्हें यहां रहने दीजिए। अभय को अपनी मां के साथ कुछ वक्त बिताने का जो मौका मिला है उसे मत छीनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभय, ये सब क्या है? क्या आप अपना बैग क्या कर रहे हैं आप? अबे मैंने हमारा सामान बांध दिया। हम भी मां के साथ जा रहे हैं। हम भी माँ के साथ जा रहे हैं। अबे चलिए अंदर, मुझे आपसे इस बारे में कुछ बात करनी है। चलिए। कुछ सुनने को बचा नहीं है श्रद्धा, ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, ये गलत है अबे। क्या गलत है? तुमने सुना ना, मम्मी ने शर्त रखी, ये घर मम्मी का है, वो कहीं नहीं जाएंगी। पर मैं इस हालत में माँ को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। यही सबके लिए बेहतर है, सब शांति से रहेंगे। मैं थक गया हूँ ये रोज रोज के तमाशों से। तमाशा? अब है लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम घर छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब और भाई, ये परिवार एक है, इस तरह से परिवार को तोड़िए मत। अबे हम कहीं नहीं जाएंगे, अबे हम यही रहेंगे, समझे आप? ये गलत है अबे। नहीं, बस श्रद्धा, ये मेरा आखिरी फैसला है। हम जा रहे हैं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।